नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन बात करेंगे बिहार में होने वाले चुनाव की, क्योंकि बिहार में महागठबंधन का संकट गहराता जा रहा है और कांग्रेस ने मनचाही सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव में जाने की धमकी देकर तेजस्वी के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। तो एनडीए में चिराग पासवान ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपने तेवर को एक बार फिर से सबके सामने रख दिया कि पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ एक महीने से भी कम का वक्त बचा है और दोनों ही गठबंधन अभी भी सीटों के जाल में उलझे हुए हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बजे एक हफ्ता हो चुका है। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गठबंधन अभी सीटों का मामला नहीं सुलझा पाए हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर फंसी गांठ खुले तो प्रत्याशियों के नाम तय हो और उनकी घोषणा की जाए, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी को आंख दिखा रही है तो एनडीए में चिराग पासवान आंखें तरेर रहे हैं। इस बीच बातचीत का दौर भी जारी है और बयानबाजी का भी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अब सीधे तेजस्वी पर हमला बोला है। गोहिल ने तेजस्वी पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अब ये आरजेडी के पाले में है कि जल्द से जल्द जो बातें हुई हैं उसमें इधर उधर नहीं हो और तुरंत वो ये मांग करते हैं। अगर आरजेडी को कोई ऐसी नौबत खड़ी करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है किसी को, तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जरूर हम भी हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। गोहिल ने तेजस्वी पर हमला बोला तो आरजेडी की तरफ से पलटवार हुआ। अभी तक थोड़ा संयम बरत रही आरजेडी ने अपने नेता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया और सबसे बड़ा हमला बोला। कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोहिल को सीधी चेतावनी दे दी कि तेजस्वी यादव की नाव में जो छेद करेगा उसे जनता चुनाव में डुबो देगी। कांग्रेस पार्टी को हठधर्मिता छोड़नी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रभारी है आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको शक्ति लगाना चाहिए बिहार की जन विरोधी एनडीए सरकार को हराने में, तो वो शक्ति लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जी के ऊपर सवाल खड़े करने में। शक्ति सिंह गोहिल जी को बिहार की वस्तु स्थिति पता नहीं है। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी के नाव पर सवार है और इस नाव में जो छेद करेगा उसे जनता इस चुनाव में डुबा देगी। एक कहावत है, जिनके घर शीशे के हो उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आरजेडी के साथ भी यही हाल है। आरजेडी से अपना घर संभल नहीं रहा, अपनी लड़ाई सुलझ नहीं रही और इसके नेता एनडीए में चल रहे सिर्फ उटौवल पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चिराग पासवान को एनडीए से बेइज्जत किया जा रहा है, जिसका खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ेगा। सब जगह ठीक है, सिर्फ एनडीए में जो है बस से बदतर स्थिति आज के तारीख में। जो कल के तारीख में एनडीए के मेन घटक दल लोजपा उसको दरकिनार करना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा चिराग पासवान, और एनडीए देखिएगा कि ध्वस्त हो जाएगा। दरअसल महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी से 70 से 75 सीटों की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी उसे 58 सीटें देने को तैयार है। उधर एनडीए में चिराग पासवान अपनी पार्टी एलजेपी के लिए 47 सीटें मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें 27 सीटों का ऑफर दिया है। फिलहाल मान मनोवल का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस ने मनचाही सीटें ना मिलने पर महागठबंधन और चिराग पासवान से एनडीए छोड़ने की धमकी दे दी है। क्या रहता है इस फिल्म का द एंड, इसका इंतजार है। और वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, लेकिन दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप कैसे डाउनलोड करना है ये बता रहे हमारे सहयोगी। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।